हेलो भाई, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। मैं पवन चौधरी। स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंद कोण का सही घटता हुआ क्रम है? ऑप्शन ए में है NH3 लेस देन CH4 लेस देन C2H2 लेस देन H2O, बी में है C2H2 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन H2O लेस देन CH4, सी में है NH3 H2O CH4 C2H2 और डी में है H2O NH3 CH4 C2H2। दूसरा क्वेश्चन है H2O द्विध्रुवीय अणु है जबकि BeF2 नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए है H2O रेखीय है और BeF2 कोणीय है। H2O कोणीय है एवं BeF2 रेखीय है। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युतता अधिक होती है। डी ऑप्शन है, H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि BeF2 एक विभक्त अणु है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समूह में से किस समूह में से sp3d संकरण नहीं है? ऑप्शन है Cl3, If3, HCl3+, ऑप्शन है बी ICl2-, Cl2-, I3-, सी ऑप्शन Clf, BrF, IF, डी ऑप्शन PCl3, AsCl3, PF5। चौथा क्वेश्चन है, NO2- की वास्तविक ज्यामितीय है? ऑप्शन है समतलीय, रेखीय, वी-आकृति, चतुष्फलकीय। फिर पांचवा क्वेश्चन देखो, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? ऑप्शन है H2O, CO2, HF, HBr। छठवां क्वेश्चन है, किस अणु में उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण होगा? ऑप्शन है HCl, HI, HBr, HF। सातवां क्वेश्चन है, एक अणु में दो परमाणुओं के बीच बंधे हुए इलेक्ट्रॉन युग्म की असमान साझेदारी का कारण है? ऑप्शन है द्विध्रुव, मूलक निर्माण, सहसंयोजी बंध, अणु का विघटन। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? ऑप्शन है BF3, CCl4, BeCl2, सभी का। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन है मैथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दसवां क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी होगा? ऑप्शन है BF3, SiF4, SF4, HCF4। ग्यारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिक में द्विध्रुव आघूर्ण होता है? ऑप्शन है जल, बोरोन ट्राइक्लोराइड, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बारहवां क्वेश्चन है, निम्न अणुओं में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे उच्चतम है? ऑप्शन है CO2, BF3, SO2, ट्रांस टू ब्यूटीन। तेरहवां क्वेश्चन है, धनात्मक द्विध्रुव आघूर्ण निम्न में से किसमें उपस्थित है? ऑप्शन है CCl4, C6H6, BF3, HF। चौदहवां क्वेश्चन है, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक है? ऑप्शन है NH3, H2O, BCl3, SO2। पंद्रहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ध्रुवीय है? ऑप्शन है CCl4, CsCl3, CH3OH, CH3Cl। फिर सोलहवां क्वेश्चन देखो, किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? NH3, H2O, cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene। सत्रहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु शून्य द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दर्शाता? ऑप्शन है BF3, NH3, CCl4, CH4। अठारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यूनतम द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है CCl4, CHCl3, CH3CH2OH, CH3CO, CH3। उन्नीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय यौगिक है? ऑप्शन है HCl, H2SE, CH4, HI। बीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? ऑप्शन है HCF2, HCF3, HCF4, HCF6। तो आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट
टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और तैयारी रोजाना करते रहें, टेस्ट सीरीज देते रहें। धन्यवाद।